आदम से लेके पैगम्बर खत्मी माँ तक हर दौर में हुसैन का मतलब हुसैन है कि सर अपना झुका दो दर फरजंदे नबी पर, सर अपना झुका दो दर फरजंदे नबी पर, ये अजरे रिसालत है जो वाजिब है सभी पर। सर अपना झुका दो दर फरजंदे नबी पर। अगर जौनपुर में तीसरे चौथे मिसरे के ऊपर मुझे बराबर से जवाब नहीं मिला तो दावे के साथ कह रहा हूँ कि फिर इतने अच्छे शेर पढ़ना छोड़ दूंगा। मैं मिसरे पढ़ रहा हूँ कि सर अपना झुका दो दर फरजंदे नबी पर, ये अजरे रिसालत है जो वाजिब है सभी पर, कि तुम ताजिया बरकत के लिए रखते हो घर में, एहसान नहीं करते हुसैन इब्ने अली। क्या कहने, वाह 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 वाह, नारे हैदरी। सर अपना झुका दो दर फरजंदे नबी पर, ये अजरे रिसालत है जो वाजिब है सभी पर, तुम ताजिया बरकत के लिए रखते हो घर में, एहसान नहीं करते हुसैन इब्ने अली पर। तुम ताजिया बरकत के लिए रखते हो घर में, एहसान नहीं करते हुसैन इब्ने अली पर, एहसान नहीं करते हुसैन इब्ने अली पर। गुजारिश कर रहा हूँ मैं मोहतरम जनाब सुहैल बस्तवी से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाज़रीन महफ़िल सलामुन अलैकुम। आप सबको इस जश्न बाबरकत और जश्न पुरमसरत की मुबारकबाद पेश करता हूँ। हजरात जो फेरिस अर्शी भाई ने बताई है, मेरा ख्याल है पब्लिक में इजाफा होगा, कमी नहीं होगी। बाबा बना नारे सलवार पढ़ते हैं आप लोग। मुअज़्ज़िने करबला की अजमत किसी की अजमत से कम नहीं है। एक से एक शेर बखुदा मिसरे पे आप सुन चुके हैं। मोहतरम ज़फ़र आज़मी साहब, हमारे अनवर भाई चचा, सादे सादे शेर हैं। और सलीम भाई, जब से महफिल शुरू हुई सिर्फ बेताब भाई कह चुके हैं कि इस बहर में शेर कहना, और सलीम भाई से ये बात हो रही थी भाई कौन सी तर्ज में पढ़ा जाएगा। अनवर भाई अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ चुके हैं, ऐसी कोशिश है सलवात पढ़ें तो मैं हाजिर करता हूँ। क्योंकि अनवर भाई ने इतना अच्छा पढ़ा कि मैं अब बदल के पढ़ रहा हूँ। एक बार और दुरूद पढ़ें, मैं हाजिर करता हूँ। सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले। हुसैन के दर पे हम सभी का यकीन है, ये भरम नहीं के दर
क्या कहने, किसी भी रुख से यहाँ की अजमत खुदा की चौखट से कम करने की कोशिश की है। हुसैन की मजलिसों में आए यजीद की दावतें भी खाए Hussein
भी खाए जो आप बात को एक समझे हमारा ऐसा शिकम नहीं जो आप बात को एक समझे हुसैन की हुसैन यजीद की दावतें भी खाए जो हक बातिल को एक समझे हमारा ऐसा शिकम नहीं है जो हक बातिल को एक समझे हमारा ऐसा शिकम नहीं है जाने कुर्बान मौज़िने करबला पे हम सब की जो हक बातिल को एक समझे हमारा ऐसा शिकम नहीं है। अब एक मदीने का मंजर है जब शहजादी की आमद हुई है हसीन 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 लैला का गया है मदीना क़िबला बना हुआ है सुना है बाजार मिस्र में अब वो पहले जैसी उधम नहीं है सुना सिर में अब वो पहले जैसी उधम नहीं है सुना है बाजार मिस्र में अब वो पहले जैसी उधम नहीं है। दश्ते करबला खैमा का शेर हाजिर कर रहा हूँ रसूल भी क्यों हाजिर में शेर हाजिर कर रहा हूं रसूल भी क्यों न ले बलाए टिकी है मल्लेल की निगाहें ये खैमा हम शक्ल मुस्तफा का नबी के हुजरे से कम नहीं है ये रसूल रसूल भी क्यों न ले बलाए टिकी है मल्लेल की निगाहें ये खैमा हम शक्ल मुस्तफा का नबी के हुजरे ये खैमा हम शक्ल
कम नहीं है। हसीन लैला का गया है मदीना क़िबला बना हुआ है। सुना है बाजार मिस्र में अब वो पहले जैसी उधम नहीं है। रसूल भी क्यों न ले बलाए टिकी है वल्लैल की निगाहें। ये खैमा हम शक्ल मुस्तफा का नबी के हुजरे से कम नहीं है। एक शेर जवान साथ हो जाए। ये खैमा हम शक्ल मुस्तफा का नबी के हुजरे से कम नहीं है। इसलिए शह ने कहा आओ अजा दो बेटा, है कहाँ कोई मुअज्जिन अली अकबर जैसा। ये खैमा हम शक्ल मुस्तफा का, अपना पसंदीदा शेर हाजिर करूँ उस कलाम में, नबी के हुजरे से कम नहीं है। इसीलिए शाह ने बुलाया मुअज्जिन ने करबला बनाया। इसीलिए शाह ने जो 14 सदियों तलक आजादे किसी के सीने में दम है। जो 14 सदियों इसीलिए शाह ने बुलाया मुअज्जिन ने करबला बनाया। जो चौदह सदियों तलक आजादे किसी के सीने में दम नहीं। जो चौदह इसीलिए शाह ने बुलाया जो 14 सदियों तलक आजादे किसी के सीने में दम नहीं। जो 14 सदियों तलक आजादे किसी के सीने में दम नहीं। इसीलिए शाह ने बुलाया मुअज्जिन ने करबला बनाया। जो 14 सदियों तलक आजादे किसी के सी
जनाबे ज़ैनब के दिल की धड़कन रसूल जैसा इमाम ज़ादा जनाब رسول جیسا امام زادہ موازنِ کربلا کی عظمت کسی کی عظمت سے کم نہیں جناب رسول جیسا امام زادہ موازن کربلا کی عظمت کسی کی عظمت سے کم نہیں ہے اسی لیے شاہ نے بلایا موازن کربلا بنایا ارے جو چودہ صدیوں تلک آزاد ہے کسی کے سینے میں دم نہیں ہے جو چودہ صدیوں جو چودہ صدیوں تلک آزاد ہے کسی کے سینے میں دم نہیں ہے اس دعا کے ساتھ کہ اس ذکر کے صدقے میں جتنے بھی بیمار ہیں مولا سب کو شفا عطا کرے یہ کون وقار کعبہ بدل رہا ہے یہ کون کانٹوں پہ چل رہا ہے وقار کعبہ بدل رہا ہے یہی تو مرہم ہے زخم دین کا یہی تو مرہم ہے زخم دین کا یہ آبلوں کا ورم نہیں ہے یہی تو مرہم ہے زخم دین کا یہ آبلوں کا ورم نہیں ہے سہیل قصیدہ لکھوں پڑھوں میں کیوں کر آپ سب شامل ہیں جتنے شعلہ کرام ہیں متحل بیت ان سب کی جانب سے سہیل آل نبی سے ہٹ کر قصیدہ لکھوں پڑھوں میں کیوں کر ارے زبان گروی حسین کی مجلسوں میں آئے یزید کی دعوتیں بھی کھائے جو حق و باطل کو ایک
ऐसा शिकम नहीं है, इसीलिए शाह ने बुलाया मुआज़िने कर्बला बनाया, जो चौदह सदियों तलक आज़ादे किसी के सीने मोहम्मद बनता सलवार। सलवार पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। रसूल भी क्यों न ले बलाए टिकी पढ़ चुके हैं पिछली सलवात पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद। कर बड़ी मोहब्बतें हैं मौला आप सबको सलामत रखे, लेकिन अभी तवील फहरिस्त मोहतरम शोराए कराम मौजूद है, वक्त वाकई नहीं है। बहुत जल्दी मैं हाजिर कर दे रहा हूँ एक तवील कलाम के चंद अशआर। ये बारहा सुनते रहते हैं आप कि अगर जहरा नहीं होती तो फिर दुनिया में क्या हुआ। मैं हाजिर कर रहा हूँ तमीदन तीन शेर, तो आप बेहतर जानते हैं चौथा शेर कि तमहीद में तीन शेर हैं कि अगर शहजादी की ज़ात ना होती तो क्या होता, उसका दो या तीन शेर जल्दी जल्दी दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मोमिनीन और मोमिनात की सेहत व सलामती के लिए, तमाम मरहूमीन और मरहूमात के बुलंदी दर्जात के लिए, तमाम शहदाए राह हक शहदाए मिल्लत जाफरिया के बुलंदी दर्जात के लिए, बिलखसूस इमाम के ज़ुहूर के लिए बहुत बुलंद दुरूद पढ़ दें मोहम्मद व आल मोहम्मद। न मस्जिद में अज़ान सजदों का पता होता, अगर एक पल को भी तस्बीह का पहरा हटा होता, क्या होता अगर शहजादी ना होती, उतरती उतर हेरा।
नहीं होती तो फिर दुनिया में क्या होता, अगर जहरा नहीं होती तो फिर दुनिया। आखिर के दो शेर मौलाई मौजूद है, बहुत आराम से मिसले पढ़ रहा हूँ। लहद में जितने मौलाई बैठे हैं, लहद में सलवार।